वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक सॉल्वेबल फॉर एक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सॉल्वेबल फॉर एक्स का वर्किंग रूल और साथ में ही एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेबल फॉर एक्स। अब सॉल्वेबल फॉर एक्स का वर्किंग रूल, सबसे पहले आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई टी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब एक फंक्शन एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई एंड पी, एक जनरल टर्म में कहा जाए तो x को लेफ्ट साइड में रख लीजिए, बाकी सारे टर्म्स राइट साइड में लेकर चलेंगे, ठीक है। अब सेकंड टर्म में यहां पर हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू y के साथ में, इसे डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू y के साथ में। थर्ड टर्म, इसमें हम पुट 1 बाय पी इज इक्वल टू dx बाय dy करेंगे, 1 बाय पी इज इक्वल टू dx बाय dy करेंगे, एंड आफ्टर दैट फोर्थ में हम एलिमिनेट कर देंगे p को एलिमिनेट कर देंगे यूजिंग दैट x इज इक्वल टू f ऑफ yp या फिर जो फर्स्ट इक्वेशन होगा उसकी मदद से। तो एकदम सिंपल सा वर्किंग रूल है, आपको इन स्टेप्स की मदद से बहुत आसानी होगी कि इस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व आउट किया जाए। चलो देखते हैं एग्जांपल। सो क्वेश्चन इज p³ - 2xyp + 4y² = 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको x को एक साइड में रखना है, बाकी पूरे टर्म्स को एक साइड में लेके चले जाना। सो दिस इंप्लाइज x, चलो p³ + 4y² = 2xyp, सो दैट इज p³ + 4y² / 2yp इज इक्वल टू एक्स, है ना। क्या कहा था, फंक्शन ऑफ y और p का बनना चाहिए, तो हमने x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y और p बना लिया। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा p³ / 2yp + 4y² / 2yp इज इक्वल टू एक्स। कैंसल आउट करते हैं तो यहां से एक पी स्क्वायर बच जाएगा अपॉन 2y प्लस ऑफ यहां से बच जाएगा 2y/p, हाँ 2y/p इज इक्वल टू एक्स, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब मुझे क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट, बराबर कैंसल आउट करके y से कैंसल, ओके। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/2 यहां पर हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, पी स्क्वायर अपॉन y, दैट मींस u बाय v का फॉर्म है, सो सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन y² है ना, अपॉन सेकंड का स्क्वायर, दैट इज y² प्लस ऑफ 2, यहां से कांस्टेंट निकाल लेते हैं, अगेन सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज 1, और फिर फर्स्ट फंक्शन दैट इज dp/dy अपॉन p² इज इक्वल टू dx/dy, ओके। कंसेप्ट एकदम इजी है, सिर्फ इतना है कि सिंप्लीफाई करते वक्त अगर छोटी सी भी मिस्टेक होती है तो आंसर्स नहीं निकलेंगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, ये सारी जो बेसिक मैथमेटिक्स की चीजें होगी उसके तरफ आपको ध्यान रखना होगा ना। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 2yp / y² dp/dy - p² / y², ओके, प्लस ऑफ 2 p/p² - y/p²
डीपी बाय डी वाई इज इक्वल टू वन बाय पी, क्योंकि रिप्लेस क्या करना कहा था हमने, डीएक्स बाय डी वाई इज इक्वल टू वन बाय पी। और अगर हम कर रहे हैं तो ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा इसके साथ में, और यहां से एक वाई बाय, तो यहां बच जाएगा मेरे पास पी बाय वाई डीपी बाय डी वाई। ओके, पी बाय वाई डीपी बाय डी वाई माइनस ऑफ पी स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर, पी स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर प्लस ऑफ, यहां पर एक से एक पी कैंसल, तो यहां बच जाएगा टू बाय पी माइनस टू वाई पी स्क्वेयर डीपी बाय डी वाई माइनस वन बाय पी इज इक्वल टू जीरो। प्लस में था, इधर आके माइनस में आ गया। अब करना क्या है, जो डीपी बाय डी वाई वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ रखना है, बाकी सारी टर्म्स को एक साथ रखेंगे। तो डीपी बाय डी वाई डीपी बाय डी वाई, तो ये हो जाएगा पी बाय वाई माइनस टू वाई बाय पी स्क्वेयर डीपी बाय डी वाई। ओके, डीपी बाय डी वाई डीपी बाय डी वाई, यहां पर टू पी माइनस वन पी, टू माइनस वन इज वन, तो यहां पे बच जाएगा प्लस ऑफ वन बाय पी माइनस ऑफ पी स्क्वेयर अपॉन टू वाई स्क्वेयर। ओके, टू पी माइनस वन पी दैट इज वन बाय पी, और यहां पे बच जाएगा माइनस पी स्क्वेयर टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। आपको इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया आपका। अब क्या करना है, इन टर्म्स को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। टर्म्स को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वेयर, पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर वाई। ठीक है, इट इज डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू, अभी ना चलो प्लस में लिख देते हैं, प्लस ऑफ अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं, टू वाई स्क्वेयर माइनस ऑफ पी क्यूब अपॉन टू वाई स्क्वेयर पी इज इक्वल टू जीरो। ओके, न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स के न्यूमरेटर में अगर ध्यान दे तो ये देखिए यहां माइनस टू वाई स्क्वेयर पी क्यूब है, यहां पर भी टू वाई स्क्वेयर माइनस पी क्यूब है ना। अगर इस कंसेप्ट को हमने कुछ ऐसा लिख लिया पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वेयर अपॉन पी स्क्वेयर वाई डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्लस था माइनस ऑफ टू वाई स्क्वेयर माइनस पी क्यूब अपॉन टू वाई स्क्वेयर पी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या चलेगा है ना। एग्जाम्पल को थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, रीजन इज दैट कि हम हर एक डिटेल पे उसकी काम कर रहे हैं। शॉर्टकटली हम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्टली कैंसिल कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ हमारे पास बचेगा पी स्क्वायर वाई और टू वाई स्क्वायर पी, तो हम डायरेक्टली उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट यहां पर कैसा है, हम हर एक स्टेप को फॉलोअप कर रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां पे माइनस साइन अगर मैं कॉमन निकाल दे रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। माइनस साइन कॉमन निकाल दे रहे हैं हम उधर, या फिर माइनस साइन से इस टर्म को मल्टीप्लाइड कर दे रहे हैं। याद ध्यान दीजिए, ये माइनस था यहां प्लस था, प्लस होके ये राइट साइड में गया, दैट इज माइनस हो गया। इस माइनस साइन से अगर इस टर्म को मल्टीप्लाइड कर देते तो इट इज टू वाई स्क्वायर प्लस पी क्यूब, मतलब यहां पे मुझे क्या मिलेगा पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर वाई डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई स्क्वायर पी इज इक्वल। अब कुछ तो चीजें सेम है, पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर पी क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर कैंसल आउट। ओके, तो बचा क्या है, वन अपॉन पी स्क्वायर वाई डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू वाई स्क्वायर पी। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए, अगर इस पी स्क्वायर वाई को मैं उधर लेकर चले जाता हूं तो डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई अपॉन टू वाई स्क्वायर पी। एक पी यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, एक वाई यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, मतलब मेरे पास क्या बच गया, डी पी बाय डी वाई इज इक्वल टू पी अपॉन टू वाई। ओके, तो अब ये पी मैं इधर ला लेता हूं, तो अब मैं ये टू इधर ले लेता हूं, दैट इज टू डी पी बाय
पी इज इक्वल टू डी वाई बाय वाई, दैट मीन्स अब मैं इसे इजिली इंटीग्रेट कर पाऊंगा, है ना, डी पी बाय बी. सो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, अब इंटीग्रेट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, 2 log p इज इक्वल टू log y प्लस log c. ओके, दैट मीन्स इट इज p स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ y c. सो दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू c y. यहां से वैल्यू मिली मुझे p स्क्वायर इज इक्वल टू c y. ये जो p की वैल्यू होगी, ये p की वैल्यू हमें पुट करनी होगी जो गिवन इक्वेशन होगा. अब वो वैल्यूज को हम पुट करते वक्त यहां क्या होगा, पी क्यू माइनस टू एक्स वाई पी प्लस ऑफ फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. पर हमारे पास पी स्क्वायर की वैल्यू है, इसलिए ये इक्वेशन में से ना हम पी को कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं. तो यहां बचेगा पी स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यू रिप्लेस करनी है पी की. तो यहां पर p as it is रहने देते हैं. p square की वैल्यू कितनी है, c y minus 2 x y plus 4 y square is equal to 0. Again c y minus 2 x y, again y common निकाल सकते हैं हम यहाँ पर. so p y, y common निकाल लेते हैं, तो यहाँ बचा c minus 2 x plus 4 y square is equal to 0. यहाँ देखिए, अब condition क्या हुई है कि यहाँ पर p है, है ना, पर मेरे पास आंसर क्या था, p square is equal to c y. that means मैं इसे अगर चाहूँ तो इसे ऐसा कह सकता हूँ, p is equal to under root of c y. but इस टर्म को अगर हमने स्क्वेयरिंग कर लिया तो मुझे p square की वैल्यू मिल जाएगी, है ना. इस टर्म को अगर हमने स्क्वेयरिंग कर लिया तो मुझे p square की वैल्यू मिल जाएगी. तो चलिए इसे लिख लेते हैं, p by c minus 2x is equal to minus 4y का square, minus 4y का square. सो दैट मीन्स इसे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं. स्क्वेयरिंग करने के बाद मेरे पास वैल्यूज कैसी मिलेगी, पी स्क्वायर सी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर वाई स्क्वायर. ये टर्म मल्टीप्लाइड में है तो मैं इसे लिख लेता हूँ, सी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर वाई स्क्वायर बाय वाई, है ना, यहाँ से ये और ये कैंसिल. अब इसे मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ, स्क्वेयरिंग करने के बाद ये हो जाएगा पी स्क्वायर सी माइनस टी एक्स टू एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर वाई का होल स्क्वायर. सो इट इज 16y square और p square, अब p square कितना था, c y. so it is c y c minus 2x का whole square is equal to 16y square and that is the final answer. यहां आपको सॉल्व करते वक्त सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है, यहां पर कॉमन निकालते वक्त ध्यान कहां दोगे, जब हम कॉमन निकालते हैं ना कि किस तरीके से कैंसिल आउट कर लिया जाए, वो कॉमन निकालते वक्त बहुत ध्यान देना होगा. तो ये था मेरा एग्जाम्पल सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए. सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.